अच्छा जी, आज हम डिस्कस करते हैं लेटर मार्क लोगो को। लेटर मार्क लोगो, वन लेटर लोगो भी लेटर मार्क लोगो की ही एक किस्म है। लेटर मार्क लोगो में स्पेसिफिक फॉन्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा एक फॉन्ट की एडिटिंग करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये कुछ लोगोज हैं जो कि लेटर मार्क की कैटेगरी में आते हैं। हम इनको लाते हैं और यहां पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं ये वी एंड ए, ठीक है ना। वी एंड ए लोगो बहुत ही आसान सा लोगो है। कैसे बनाया गया है, यहां पर सिंपली लिखा है वी एंड ए, ठीक है। फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, एक्सटेंडेड फॉन्ट लगा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन का, ठीक है। ये वाला यही है। अब आगे क्या किया हुआ, एडिटिंग की हुई है थोड़ी सी। इसको एडिट करने के लिए आप, पहले मैंने इसे बोल्ड किया ताकि बिल्कुल उसी तरह का लगे जैसा वहां पे है। ऑब्जेक्ट, ब्रेक अपार्ट, सबसे पहले ये एंड को लिया और इसको ऐसे छोटा कर दिया। और बिल्कुल ये वी के साथ लाके जोड़ दिया, ठीक है। देन ए को लेके यहां पे आए, थोड़ा सा एडिट किया ए को। क्या एडिट किया है, शेप टूल में जाके कंट्रोल क्यू किया है और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स ए के इरेज कर दिए, ठीक है। ये जो कर्व बन रही है इसको क्लिक करके कन्वर्ट टू लाइन कर दिया और ए को ये बना दिया, ठीक है। और लाके यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वी एंड ए लोगो हमारा तैयार हो गया, ठीक है। फिर ये आई बी एम बना हुआ है जी। आई बी एम भी सिमिलर टाइप का फॉन्ट लगा हुआ है जैसा कि हमने अभी इस्तेमाल किया टाइम्स का। चलें फॉर द टाइम बीइंग में ये टाइम्स का टेल्ड फॉन्ट ही इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि वहां पे टेल्ड फॉन्ट ही लगा हुआ है जी, ठीक है। कलर आप अपनी चॉइस का ले लें, वहां पे थोड़ा लाइट ब्लू है, मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लिया, ठीक है। अब यहां पे ये ऐसे ली गई है रेक्टेंगल बारीक सी और इसको लाके फॉन्ट नहीं मजा कर रहा है, फॉन्ट कोई मोटा लगाते हैं। ये ठीक है, बार्नर्ड एम्प्टी फॉन्ट है, ये टेल्ड फॉन्ट है क्योंकि उस लोगों का फॉन्ट हमारा टेल्ड था। इसको मैंने यहां पे ऐसे प्लेस किया एंड देन जी एरो की मदद से उठा के थोड़ा नीचे ले गए और राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल आर, अगर Adobe Illustrator होता तो कंट्रोल डी करते, कोरल ड्रॉ में क्या है कंट्रोल आर, रिपीट करने की शॉर्ट की एंड देन ये सारे पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ हम अपने लोगों को भी सिलेक्ट करेंगे और यहां शेपिंग में जाके ट्रिम की कमांड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी लाइंस डिलीट कर देंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये उसी तरह कटा हुआ आ गया जैसे IBM कंपनी वालों ने काट के इसे
बनाया हुआ था। ठीक है, छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल की गई, H&M, ये सिंपल सा फॉन्ट है। CC किस चीज से बना हुआ है? सर्कल से बना हुआ है। ठीक है, सिंपली आपने सर्कल लेना है और सर्कल को हाफ कट कर देना है। ठीक है, जैसे ये सर्कल है और सर्कल लेके आपने क्या करना है जी, इसको पहले तो परफेक्ट सर्कल होना चाहिए और उसके बाद फिर इसकी आउटलाइन मोटी सी होनी चाहिए। F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन में जाके इसको अपनी मर्जी की आउटलाइन साइज दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका हाफ कट बनाना है यहां से, तो ये आर्क में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, और इस आर्क को थोड़ा आपने एडिट करके प्रोजेक्ट आउट करना है, सी की शक्ल देनी है। ठीक है, टॉप से भी और बॉटम से भी। ठीक है, एक सी बन गया, दूसरा बनाना कोई इशू नहीं है। Ctrl C Ctrl V, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट करके ये जो ऊपर पेस्ट किया है इसको यहां से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लें और फिर एरो टूल से इसको मूव करके उस पोजीशन पर ले आएं जहां पर CC कंपनी वालों ने रखा हुआ है। यहाँ पे स्टॉप कर दें, आपका लोगो रेडी है। HP, ये टेक्निक फेसबुक में भी आपने सीखी है, वही है, VL लोगो है। ठीक है, सिंपली क्या किया हुआ है, V और L के वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, और रोमन फॉन्ट लगाया है, टाइम्स न्यू रोमन का। लगाने के बाद इसको कलर किया है, यही कलर पिक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट किया है एंड देन उठा के ऐसे प्लेस कर दिया और इस वाले को इटालिक कर दिया। ठीक है, एक सीधा ही है और दूसरा इटालिक किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसका ये बॉटम डिस्टेंस कम कर दिया है और इसको ऐसे रिसाइज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल वही VL बन चुका है। सिमिलरली CNN, NY, Procter & Gamble, ये सारे लोगोज लेटर मार्क की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो लेटर मार्क में सिंगल लेटर का भी हो सकता है और मल्टीपल लेटर्स के भी हो सकते हैं। तो आज की डेट में आपने ये मल्टीपल लेटर वाले लेटर मार्क लोगोज को प्रैक्टिस कर लेना है, इसको क्लियर कर लेंगे जी।